तो गाइस सभी लोग तैयार हो गए, चलो पीएमसी हो जाए। अब सभी लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख दी है भाई, क्या क्रेजी लग रही है। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का अंशु बिस्ट व्लॉग्स में। मेरे को पता है तुम लोग सोच रहे हो भाई यार आज थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो गाइस अभी बज रहा है रात के 12:30 और तुम लोग मेरा यकीन नहीं मानोगे, सच्ची बता रहा हूँ रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास आज थोड़ा सा ही टाइम है, हमें 3 बजे उठना है, तुम लोग 3 बजे क्यों उठना है। तो भाई आज हम लोग निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे, सौरभ भाई, साहिल भाई, पीयूषी और उनके पापा जी और गुड्डूदा और मैं, हम 6 जने निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे। एक बहुत लंबी जर्नी है तो जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ सोने के लिए और उसके बाद मिलते हैं। कितना ऑकवर्ड व्लॉग है, नहीं ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि गाइस मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी हम लोग यहाँ जाने वाले, बट एक्चुअल में आज क्या हो रहा है कि गाइस तो अभी मैं व्लॉग करूंगा इसलिए पहले सो के आता हूँ। तो गाइस यार गुड मॉर्निंग हो गया सभी लोगों का, अभी बज रहे सुबह के 3:48। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अब हम लोग 4 बजे तो सौरभ भाई के यहाँ नहीं पहुंच रहे, बट हम लोग 4:15 के आज तक का उनके घर तक पहुंचे गए, आसपास तक का, आज तक का बोल रहा हूँ। तो चलो यार गाइस फटाफट से निकलते हैं, थोड़ी सी चाय वाय बना दी मम्मी, चाय पी के सीधे निकलते हैं वहां के लिए। भाई बहुत लॉन्ग ट्रिप है और मजा आने वाला है भाई, रोड ट्रिप विद सौरभ भाई, साहिल भाई, पीयूष भाई, पापा जी उनके और गुड्डा। तो निकलते हैं फटाफट से चाय पी के थोड़ी सी। मेरी मम्मी को भी उठा दिया सुबह सुबह यार, सॉरी यार मम्मी। अरे नहीं यार, हाँ फटाफट से चाय पीते और निकलते हैं, ठीक है मम्मी? ठीक है। अबे इसको क्या हो गया भाई? अरे खांसी हो गई। ओ बुढ़ा नहीं, खांसी हो गई भाई को। अरे भाई भाई उल्टियां मत मारना भाई, प्लीज भाई उल्टी मत करना बस, ठीक है पंपू ना। गुड़दा आ चुके और गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, अब निकलते हैं और सीधे मिलते हैं तुम लोगों से सौरभ भाई के घर पे। तो गाइस यार सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैं पहली बार इस रोड पे जा रहा हूँ, हम लोग जेल रोड है तो पहली बार इस रोड पे जा रहे हैं और भाई कोई नहीं है, लाइक लिटरली तुम लोग देख रहे हो भाई पूरी सुनसान हो रखी रोड। मैंने लिटरली पहली बार देखा है, ये पहली बार मैं कार चला रहा हूँ जिसमें पूरी रोड खाली है भाई, हम लोग बीच पे चल रहे हैं बिल्कुल और मस्त चल रहे एकदम। तो गाइस सभी लोग तैयार हो गए, पीसी ब्रश कर रहा है वहां पे और उसके बाद निकलते हैं। सर भाई कांग्रेचुलेशन, आपको भी कांग्रेचुलेशन, बाय बाय। तो सौरभ भाई हमको तो 4 बजे उठाया, फिर आपने बोला कि 4 बजे तक मेरे वहां पे लगा देना। गाइस ये टाइम हो रहा है, ये सौरभ भाई बताओ जल्दी पीयूष को तो आपने आके उठाया ना। चलो गाइस 5 बज गए बट अब निकलते हैं सीधे। तो गाइस ये रहा हमारा पहला स्टॉप, मतलब स्टॉप क्या है, गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं था तो डलवा रहे, सॉरी डीजल। अरे यार ये भाई मैं खुद भूल जाता हूँ, पता है कि डीजल गाड़ी है वो तो सही है कि मतलब उसमें लिखा रहता है, डब्बे में लिखा रहता है कि डीजल है, भाई भरवा रहे देखते कितने का भाई। हेलो 3,500 अभी हो गया, हेलो हम लोग यहाँ टोल के बगल में अटके हुए, अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, भाई गाड़ी लग रही है पता है कि ऑफ रोड करके आए एकदम खतरनाक वाली, और दोबारा से फास्ट टैग लगवाना पड़ा, लास्ट टाइम वाले ने गलत कर दिया था तो अभी दोबारा लग गया है, होप कुछ भी गड़बड़ ना हो। और बाकी तो गाड़ी की हालत देखो एक बार यार। तो चलो गाइस मजा बहुत आ रहा है, सौरभ भाई मस्त चला रहे एकदम, और रोड ट्रिप भी हो रही है भाई एक तरह से यहाँ से चंडीगढ़ तक का। तो अब निकलते हैं और मिलते हैं तुम लोगों से डायरेक्ट चंडीगढ़ में। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और गाड़ी की हालत देखो यार, ऐसा दिल में चोट लग रही है ना भाई, दर्द हो रहा है ना भाई, रोने का मन कर रहा है भाई, देखो एक बारी दोनों साइड से भाई एकदम रंगीली गाड़ी हो गई है, बट कोई नहीं। तो गाइस अब एक काम करते हैं, जाते और खाते और बाकी ना जब सौरभ भाई गाड़ी ले रहे होंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कार धुला के ले आएंगे, जिस टाइम पे सौरभ भाई पेपर वर्क करेंगे हम लोग फटाफट से गाड़ी धुला के लाएंगे, क्योंकि बहुत गंदी लग रही है भाई, रोना आ रहा है मेरे सही में। किसी मजा नहीं आया क्या? है इतना गंदा मुंह बना है इसने, सौरभ भाई को भी ज्यादा पसंद नहीं आया सब पे। अरे भाई यार भाई सौरभ भाई लोगों को सब पे पसंद नहीं आया, बेस्ट है वो चीज, बेस्ट है। ब्रो मैंने बोला था कि अगर नहीं सजा है तो हम लोग चलते हैं करके, कोई बात नहीं अभी के लिए तो देखते हैं, अब बना लिया तो अब तो खाएंगे ही। पीएमसी ब्रो बम तो मुझे नहीं करो, प्यार से दे दो ब्रो, प्यार से दे दो, देखो फिर मत करो ऐसा, मत करो दोस्त यहाँ दे दो, आधा ही खिला दो, आधा
वो देखो पीस, वो देखो तुम्हारे तुम्हारे वो कुछ पॉकेट से कुछ गिरा हुआ है। रुक जा ब्रो। गाइस वो देखो चोर भाग रहा है बिस्किट लेके अकेले अकेले खाने के लिए। अब सभी लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख दी है क्योंकि अब गाड़ी में चलाने वाला यहाँ से, मतलब देखते हैं कहाँ तक चलेंगे। और बाकी साहिल भाई भी आ रहे उधर से, उन्हें अभी जस्ट अपना खाना फिनिश करे। भाई रोड ट्रिप के असली मजे तो पीयूष ही ले रहा है भाई। खुद ही बोले खुद ही हंस जाते हो भाई यार। हाँ, खुद ही बोले खुद ही हंस जाते हो भाई। मजेदार चीज है ना। चलो पीएमसी हो जाए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टोयोटा के शोरूम में सौरभ भाई की फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने के लिए। हैरियर की हालत खराब है भाई, इसको धुलाना पड़ेगा जल्दी, तो वो चीज़ है। बट भाई ऐसी एक्साइटमेंट ना, मजा देख रहे हो तुम लोग। तो वो लोग सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी फटाफट कैचअप करते हैं और उसके बाद चलते हैं। भाई सच्ची में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मतलब लाइक मेरी गाड़ी है भी नहीं पर फिर भी खुशी हो रही है कि लाइक हम सौरभ भाई के साथ जा रहे हैं। भाई क्या क्रेजी लग रही है, देख रहे हो फॉर्च्यूनर भाई। भाई लेजेंडर तो लेजेंडर है। और एक और चीज बताता हूँ भाई, जो क्रेज मेरे को इतनी हंसी आई ना, ये देख रहे हो तुम लोग, ये जो लग रहा है भाई, ये 18,000 की एक्सेसरी है। ये फॉर्च्यूनर लिखा हुआ साइड से ऐसे, ये फुट नहीं है ये। मेरे को ना ये पीसी पे 2 रुपए का भरोसा नहीं होता है। इसने बोला गाड़ी मेरे को चाबी दे दो, मैं जरा गाड़ी में ये रख के आता हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूंगा भाई, देख के आऊंगा पूरा। देखा, मुझे पता था इन लोगों का प्लान गाड़ी से कुछ रिलेटेड नहीं है, इन लोगों का प्लान अलग चलता है। तो गाइस पीयूष हमारी लेटेस्ट वीडियो देख रहा है टोयोटा की स्क्रीन में इतनी बड़ी। भाई हेलो, ये मार वाला पार्ट तो नहीं देखना था ना। तब तक गाड़ी तैयार हुई गाइस, हम सभी लोग यहाँ पर खाना खाने आ रखे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है सुबह के चले हुए। तो अंकल जी ने बोला कि यहाँ पर हमने तो अंकल जी ने बोला यहाँ बेस्ट मिलता है तो यहीं से खाते हैं। तो गाइस ये रही गाड़ी और वो रहे ओनर भाई, चेक कर रहे पूरी गाड़ी को अच्छे से क्या चल रहा है करके। क्या लग रही है भाई, ये लेजेंडर, लेट्स गो। ये चलो चलो सारा भाई चलो। ये गाइस चलो अब एक फोटो खींचते हैं प्यारी सी सौरभ भाई की नई गाड़ी और इसके साथ। यार इसको धुलाने का टाइम नहीं मिल पाया लेकिन अब हल्द्वानी जाके धुलाएंगे इसको सीधे। हाँ जी क्या कह रहे, नई कोटिंग चल रही है इसमें। अब ये ब्लैक से पूरी सिल्वर जैसी हो जाएगी। तो गाइस यार फाइनली लेजेंडर हम लोगों ने ले लिया है। थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, 4 बजने को आ गया। अब पता नहीं हम लोग हल्द्वानी कब पहुंचेंगे, बट हम लोग निकल रहे हैं। पहले डीजल स्टॉप के लिए रुक रहे हैं, अभी देखते हैं। सौरभ भाई लोग पीछे हैं तो सही, बट वो कुछ तो काम कर रहे हैं अभी। तो फटाफट से निकलते हैं, डीजल भरवाते हैं और सीधा हल्द्वानी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर हाईवे में रुके हुए हैं, आगे जाएंगे नहीं। तो हमने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए रख लिया है, अब हम लोग रास्ते में यार रुकेंगे नहीं, ठीक है सीधे चलते हैं। चलो गाइस निकलते हैं, मैंने भी लॉलीपॉप ले लिया अपने लिए। मजा आ रहा है गाड़ी में भाई, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। आपकी भी आने वाली है, हैं? मतलब आपकी भी आ जाए मैं दुआ करूंगा। अच्छा थैंक यू भाई। भाई क्या लग रही है, मैंने अभी तक अंदर से नहीं दिखी थी यार ये। भाई इन्फोटेनमेंट सिस्टम है क्या पूरा, सौरभ भाई यार सच्ची बता रहा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, लव यू यार भाई। अभी अब लैंड रोवर की बारी आने वाली बहुत जल्दी। वो तो हाँ अभी तो लिया भाई, मजा आ गया भाई।
बाद में चलाएंगे जब हल्द्वानी में कभी। तो गाइस इस शॉप से हमने थोड़ी सप्लाईज ले ली है रास्ते के लिए, टॉफियां ले ली है हम लोगों ने। अब निकलते हैं सीधे घर को। घर में रुकेंगे ठीक है? नहीं खाएंगे ना, भूख लग रही है ना। मैंने इसलिए बोला ताकि मेरे पोपट ना हो कि घर ही रुकेंगे। तोरा भाई ने बोल दिया खाने के लिए रुकेंगे तो रुकेंगे ही। अब आई लव यू भाई, आई लव यू यार, लव यू मोर भाई। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए सौरभ भाई की लेजेंडर और ये हमारी हैरियर भाई। हम लोगों ने सौरभ भाई कितना कर दिया होगा, 550 किलोमीटर था ना, 92 और बचा है। आज हमने 1000 कर दिया रहा भाई, एक दिन में 1000 लगा दिया हम लोगों ने यार। अभी 12 बज गया ऑलमोस्ट, हम लोगों को 2 घंटे और लगेंगे तो देखते हैं। 92 किलोमीटर और बचा है, हम लोगों ने कम से कम नहीं भी तो 450 किलोमीटर कर दिए है। और भाई 550 पहले दिन चला दिए सौरभ भाई ने। भाई अब फटाफट से बहुत भूख लगी यार, खाना वाना खाते और निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। तो गाइज यार फाइनली हम लोग सौरभ भाई के सोसाइटी में आ चुके हैं और सौरभ भाई ने अपने लेजेंडर लगा भी दिए साइड में। अब हम लोग निकलते हैं अपने घर को क्योंकि बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है और टाइम पे पहुंच गया ना फिर भी यार। जो बोला था 2 बजे हम लोग पहुंचे थे, 12 मिनट हम लोगों ने थोड़ी बातचीत करी है और अभी तो बहुत सारे काम लगे। सौरभ भाई का आरसी का काम होगा, हम लोगों को करना है और बहुत सारी चीजें हैं तो अभी तो करेंगे। और अभी तो एक मस्त चीज भी है, गीगा वाइट का एक बहुत खतरनाक शूट भी है जिसके लिए मुझे आज ही 7 बजे उठना भी है। 2 बज चुके तो फटाफट से घर जाते हैं सोते वोते, तो मैं मिलता तुम लोग सीधे घर पे यार। हालत बहुत खराब हो गई है ना। हाँ यार मम्मी वेट करिए, घर पे मिलते हैं। नहीं हमें मम्मी को परेशान कर दिया सब। नहीं आप जान मेरी परेशानी क्या, तुम लोग इतना लंबा सफर। हमें बच्चे मैं ही चला के लाया हूँ पूरी चंडीगढ़ से यहाँ तक आना। हमें बच्चे जाओ सो जाओ फटाफट, मैं भी सो रहा हूँ। चलाई चलाई वही तो लंबा सफर। हाँ तो गाइस यार फाइनली घर आ चुके, बहुत ज्यादा नींद लग रही है, अभी बहुत सारा काम है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया गीगाबाइट का एक शूट भी है तो उसके लिए भी हम लोग को जल्दी उठना है, तो मैं सीधे सोने जा रहा हूँ एडिट करने के बाद, क्योंकि ये भी ब्लॉग अपलोड भी करना है और तुम लोगों को लाइक आना भी चाहिए 8:30-9:10 पता नहीं कितने बजे आएगा बट आएगा। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉयड। मजा आएगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर, बिना कहीं मत जाना बता रहा हूँ, बम तो मुझे मत करो ठीक है। जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ ब्रो।